वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अब हम आ गए हैं आगरा, आगरा रिंग रोड। तो हम ये वाला आगरा की तरफ मुड़ जाते हैं, एक तरफ एक दिल्ली की तरफ जाता है, एक आगरा की तरफ। बट हमने सोचा यार आए तो ताजमहल देखते हुए ही निकले, अब देख के फिर हम चले जाएंगे। यहाँ से ग्वालियर भी जाता है, देखो रास्ता ग्वालियर फतेहाबाद। तो अभी 4:37 हुए हैं, तो देखते हैं कब तक आगरा का हो पाता है, कितनी देर पहुँचते, कितने दिन बता रहे। 16 मिनट दिखा रहा है वो ताजमहल तक, तो 16 मिनट में हम होंगे ताजमहल के सामने। कुछ बोलोगे तुम क्या, उखाड़ लोगे सामने। हम देखेंगे ताजमहल। वहाँ पे तुम पढ़ोगे पीके, क्योंकि हम हैं पीए। ये क्या होती है, पूजा अश्विनी डम्बो। अगर डम्बो से शादी करिए तो कोई बात नहीं, मैं समझदार बना दूंगी तुम्हें। तो वो नहीं लगता ना ये ऐसे ही मेरी टांग खिंचाई करते रहेंगे। आप लोगों को भी लगता होगा कि ये तो कितना लड़ते हैं, बट ये लड़ाई नहीं है, ये तो खिंचाई है, नोक झोंक है सिर्फ। अब आ गए हम आगरा से। आगरा का क्या फेमस है बताओ? पेठा। वो भी चॉकलेट का पेड़ा, आगरा का पेठा। यस, यहाँ का वो भी मिलता है चॉकलेट पेठा, कई तरह के पेठे मिलते हैं। ये मन है ना मेरा, एक पराठे वाले पे पराठा मिल जाए तो मजा आ जाए। वो अंकल जी है जो, अच्छा वो वाला जो वो दिखा रहा था, हाँ पराठे वाला है। यहाँ पे अगर हमें मिला तो वहाँ जाएंगे, वो दिखाएंगे फिर आपको उस पराठे का। भी अब जाएगा ले लेते हैं ना, आज जब लास्ट डे है तो। हाँ कल, फिर कल का कल सोचेंगे जब करना है यार। यस, बहुत सुंदर। नहीं बोर्ड तो लगाना चाहिए ताजमहल आया, मैं पता नहीं हमारे आ गए पिछली बार हम इस रमाडा में रुके थे दोस्तों, देखिए। और बड़ा दूर था, अरे हाँ यार बड़ी दूर है। हाँ जब अंधेरा नहीं, तुम कह भी रहे थे यार कार रुक गया, कुछ था ही नहीं सामने। तो ओबरॉय मेरा, ये तो सोसाइटी है। ओबरॉय सोसाइटी बार में उसे ताज में रुक रहा है। हाँ वो ताज है ना, बिल्कुल ओबरॉय है शायद, सामने है बिल्कुल उसे, है ना उसमें ताज दिखता है सामने से ना। और वो वाला ही रूम लेंगे जिसमें खिड़की खोलो और सामने ताज हो। मजा तो जब ही है वही, तो सुबह आके खुले और ताजमहल तुम्हें ऐसे दिखे। इस लेन में होटल सबसे ज्यादा है। हाँ ताजमहल भी तो पास ही है ना यहाँ से। नहीं हाँ पास है, मगर फिर भी यहीं पे तो कहीं जाके हो रहे हैं। ताजमहल के पास ही है ना ताजमहल, जब भी तो दिखेगा उस साइड है शायद, या नहीं इधर ही है, हमने दिखा तो था लास्ट टाइम भी, हमने देखा था यार बड़ा दूर जाके है तो ये रमाडा। हाँ तो इतनी दूरी तो आए थे हम। शट अप। तो दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर में। नहीं चला लो फिर। पिछली बार हम जो रमाडा आए थे ना, रमाडा हम रात को आए थे 12:30, 1 बजे के करीब, 1-2 बजे के आसपास। हाँ। हम वृंदावन से आए थे शायद। हाँ वृंदावन से।
नाम से गोवर्धन में लेट हो गए थे हम वहाँ की परिक्रमा. नहीं 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 हाँ गोवर्धन की परिक्रमा में लेट हो गए थे हम बहुत. हमें समझ नहीं आया था परिक्रमा कैसे करनी है. हाँ और उसके बाद फिर हम अच्छा मथुरा गए फिर गोवर्धन. हाँ बहुत लंबा पड़ा परिक्रमा का. मैं वो जहाँ पे से स्टार्ट होती है वो नहीं मिल रहा था हमें. हाँ कि कहाँ से स्टार्ट होती है उसमें हमें बड़ी दिक्कत हुई थी. ये था कि गाड़ी से होती है पहाड़ है कोई पहाड़ के चारों तरफ घूमना होता है. घूमना होता है हमें नहीं पता था तरीका थोड़ा अलग है. फिर हमें जब मिली फिर हमें बज गए थे वहीं पे 12:30 बज गए थे. फिर हम यहाँ पे एक घंटा लगता है वहाँ से यहाँ तक आने में. फिर हम वहाँ से यहाँ आए और रास्ते में हमने होटल बुक करा था. होटल तो बहुत दूर था यार. अरे हाँ पहले ताजमहल देखा. हाँ रात को हम 2-3 बजे आए हम सोए सुबह हम निकले ताजमहल के लिए. फिर उन्होंने बोला 5-6 बजे खुल जाता है और जल्दी आते तो बहुत प्यारा दिखता. बट फिर हम लेट थे लेट भी नहीं थे मतलब 7:30 बजे पहुंच गए थे. फिर हमने ताजमहल देखा और उसके बाद हम फिर लखनऊ निकल गए थे. लखनऊ नहीं निकले थे ना. लखनऊ निकल गए थे ना. लखनऊ निकले थे. फिर हमारा प्लान बना कि हम अयोध्या चले. फिर अयोध्या हमारा कैंसिल हो गया. नहीं तो हमारा उस टाइम पे प्लान था कि हम वहाँ से अयोध्या जाए. अयोध्या एक दिन रुके राम मंदिर देख के फिर उसके बाद में हम जाते वाराणसी. वाराणसी में हम शायद 2-3 दिन का प्लान था. फिर वहाँ से आते हम इलाहाबाद. फिर इलाहाबाद से फिर हमें वापस लखनऊ आना पड़ता. फिर लखनऊ से ऐसे अब हम अगली बार कभी बनाएंगे तो दिल्ली से बनाएंगे सीधा या इलाहाबाद. इलाहाबाद से वाराणसी 2 दिन रुकेंगे फिर अयोध्या 1 दिन रुकेंगे. ये और रॉय है पेठा. बहुत मिलेगा आपको पेठा ही पेठा पंछी पेठा. कितनी देर दिखा रहा है पंछी उड़ जाता है. ताजमहल कितनी दूर है. ताज के नाम से तो है बहुत होटल क्योंकि ताजमहल है ना तो सबने यहाँ पे ताज पहले से अलग है और सारे ताज विलास ताज ये ताज वो सब है. थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना कि ताज का तो अच्छा होगा. 5-star ही देखना अगर जो 5-star में रुकता है. ताज नाम से बता देना खैर उन्हें तो पता ही होगा. बता रही गणा क्या नारा ज्ञान नहीं हो रहे तुम तगड़ा सीन है यहाँ का. अच्छा ये रेडिसन है ये इस रोड पे तो सारे होटल्स हैं. ये कौन सा आएगा चेप होना. ये ले लो कर लो गाइड कर लो गाइड कर लो गाइड कर लो. हाँ किसी को कुछ नहीं याद रहना होता. हाँ हम पिछली बार आए थे ना सही में एक वर्ड याद नहीं है. हमने शुरू में जो करे स्टार्टिंग में हमने कर लिए पर
बट अगर बात करी जा रहा है यार, किसी को कोई नहीं याद रहता कि उसने क्या कहानी बताई, इसके पीछे क्या नहीं कहानी बताई, उसको जगह याद रहती है बस कि मैं उस जगह पे गया था, वो इतनी सुंदर थी, वो इतनी अच्छा था, वो वहाँ के लोग, वहाँ की जगह से भी याद रहती है, और जो मॉन्यूमेंट होता है वहाँ बस, और कुछ नहीं याद रहता। मेट्रो बन गई है ये जो हमारे सामने कंस्ट्रक्शन थी ना, नई नई भी तो दिख रही है, देखिए सामने गाइस मेट्रो, ये भी कोई होटल था, कांट पैलेस। यहाँ से हमने पिछली बार सब खाया था, बहुत बुरा हाल था, सही में याद है तुमने गाड़ी भी खड़ी करी थी कैसे, वो बार बार हॉर्न वॉर्न, ये मिट्टी धूल था, ताजमहल आ गए, ताजमहल आ गए। मीनाक्षी दत्त मेक ओवर यहाँ भी है ना, तो हमारे वहाँ पे जो है नवाब्स द बेस्ट ऑफ मुंबई नाउ इन आगरा, मीनाक्षी दत्त भी बहुत फेमस है। यार मुंबई का इतना क्रेज क्यों है, देख पीछे भी वो था रेस्टोरेंट मुंबई का, पता है होटल गंगा रतन, ये कौन सा होटल है हॉवर्ड प्लाजा, इतनी दूर था क्या वो, और ये दूर तो था यो, मानसिंह पैलेस बहुत दूर है, ताजमहल तो आ ही नहीं रहा, ताजमहल नहीं आ रहा गाइस, ताजमहल नहीं आ रहा, क्या करें, बोलो गाइस ताजमहल आएगा गाइस, बोलो बार बार बोलूंगी ना, गाइस बोले तो कमेंट में ले आएंगे, क्या बोले कमेंट तो आएगा, कुछ तो बोलोगे क्या बोले कमेंट करना, रे क्या बोले हम सब ऐसे कर देना, हाँ बस इतना कर देना। ये तुम्हें कैसा लगा आगरा, आगरा अच्छा है यार, हम इधर तो आए नहीं थे, आए थे, आए थे। ये क्या है, G20 इधर जाना है, अरे किधर है, पुलिस वाले रुकते नहीं है क्या, अरे किधर है, इतनी दूर तो नहीं, लोकेशन गलत दिखा रहा है क्या, वही तो कल ही हम तो जाके नहीं था, ये तो फार्म हाउस, फार्म हाउस से आ गए, हाँ हम तो फार्म हाउस के वहां से, ये मैप हमेशा गलत घुमा देता है, मैं पहले भी दोस्तों हमें बहुत गलत घुमाया है इसने, है ना, अरे ये तो क्लर्क आ गया, होटल आ गया, अरे तो तुमने होटल बुक किया था, हाँ बनाया नहीं, ये ही तो सरप्राइज होता है, तो फिर मुझे एक सरप्राइज मिला दोस्तों, जो मुझे अंदाजा नहीं था, मुझे ये था हम ताजमहल जा रहे हैं, ओ भाई साहब ये होटल में रखेंगे, क्या बढ़िया है, ये तो 5 स्टार होगा ना, अंदर देखो ना सामने वाली गैलरी कितनी मस्त है, मैं तो बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगी, मैं ये देखो सामने गैलरी अच्छी है ना, ओए हां थैंक यू, मुझे पता ही नहीं था, तुम कर तो रहे थे, फिर तुमने बोला नहीं कर रहा मैं, तो चलो दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर में।